दोस्तों चाइना एंड जापान कुंग फू एंड मार्शल आर्ट्स के लिए काफी फेमस हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनका ओरिजिन इंडिया से ही हुआ है तो शायद आप मानेंगे नहीं। 5th सेंचुरी में साउथ इंडिया के पल्लवा किंगडम में जन्मे बोधि धर्मा ने काफी कम एज में राजपाट छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन गए। सिर्फ 22 की उम्र में उन्होंने ध्यान लगाकर परम ज्ञान पा लिया। तब इनके बौद्ध गुरु ने इन्हें एज ए मैसेंजर चाइना भेजा बौद्ध धर्म सिखाने के लिए। वहाँ इन्हें तात्मो नाम दिया। इन्होंने देखा कि शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स मेडिटेशन देर तक नहीं कर पाते और फिजिकल बिल्कुल भी फिट नहीं है, जिससे इनके मेंटल स्टेमिना पर भी फर्क पड़ता है। बौद्ध धर्मा ने मॉन्क्स को कलरीपयट्टू का ज्ञान दिया, जो कि है बेस्ड ऑन एनिमल्स, और उन्हें डिफरेंट योग टेक्निक्स भी सिखाई, मेनली फॉर स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस। बाद में मॉन्क्स ने इन एक्सरसाइज और योग टेक्निक्स को इतना प्रैक्टिस किया कि ये शाओलिन कुंग फू के नाम से फेमस हुआ। दोस्तों इनडायरेक्टली मैं अगर कहूँ तो ये सभी कुंग फूज एंड मार्शल आर्ट्स इवॉल्व हुए हैं योगा से, बट वेस्टर्न लोगों ने योगा को केवल कुछ पोजेस में कैद कर दिया है। ऐसे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करें द इन्फॉर्म सिटीजन को।